चंडीगढ़ के सोलह क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब और हरियाणा के विधायकों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कैप्टन की कमान संभाली, वहीं पंजाब की टीम के कैप्टन के तौर पर पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने कमान संभाली। मैच की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने टॉस कर की। इस मौके पर पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि इस तरह के मैच लगातार होने चाहिए। वहीं क्रिकेट मैच को लेकर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने कहा कि हमारा मुकाबला पंजाब के साथ है और मैच बड़ा रोमांचकारी होगा। वक्त मैं सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूं। यहां पर पंजाब के नेताओं और हरियाणा के नेताओं के बीच गली क्रिकेट मैच खेला जाएगा और बड़ी दिलचस्प की बात है कि हरियाणा की टीम की कप्तानी करेंगे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, पहले भी क्रिकेट खेल चुके हैं या पहली बार है? नहीं, इस ग्राउंड में भी खेल चुका हूँ मैं। इस ग्राउंड में असल में तो जब ग्राउंड नया बना, शुरुआत ही हमने की थी, बहुत देर पहले की बात है, ये 67-68 की बात है। और आज जिस तरीके से मैच खेला जाएगा वो भी पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ, किस रणनीति के साथ उतरेंगे और क्या टारगेट लेके जाएंगे? देखिए, पंजाब और हरियाणा आपस में भाई भाई हैं, एक ये फ्रेंडली मैच है आपस के अंदर, और हमारी दोस्ती और पक्की हो, मजबूत हो, इसको लेकर के आज हम ये मैच खेलने जा रहे हैं। और इस मैच के अंदर जीत हार ये तो खेल के अंदर होती है, लेकिन इस मैच से एक संदेश जाएगा कि पंजाब और हरियाणा जो है वो उनकी विरासत, उनकी कार्यशैली या उनकी जो आपस के विचार हैं वो एक ही हैं। सर, हमने देखा है आप क्योंकि स्पीकर भी हैं, विधानसभा के भीतर किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती है, लेकिन इस वक्त टीम के सदस्य कांग्रेस के नेता भी हैं आपके? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का नेता जो है वो उनका ये टीम जो है विधानसभा की है, ये किसी पार्टी की टीम नहीं है, इसलिए विधानसभा की टीम खेल रही है, हरियाणा विधानसभा खेल रही है, और उधर से भी पंजाब विधानसभा के जो भी किसी पार्टी का सदस्य होगा वो खेलेगा, लेकिन वो विधायक जो होगा वो ही खेलेगा। जीतने के लिए खेला जाएगा ये मैच या मनोरंजन के तौर? देखिए, मनोरंजन भी होगा, जीत भी होगी, आपस के अंदर दोस्ती भी होगी, भाईचारा भी होगा। भव्य विश्नोई जी भी इधर हैं जो कि युवा विधायक हैं, पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं और मैच में ये सदस्य भी होंगे। किस तरीके से सर आप लोगों ने रणनीति बनाई है और जो ये मैच भी खेला जाएगा, क्या जीतने के लिए खेला जाएगा या मनोरंजन के? हरियाणा हमेशा जीतने के लिए खेलता है और रणनीति बताई नहीं जाती, आपको दिखाई देगी थोड़ी देर में। तो पहले भी आप क्या क्रिकेट खेल चुके हैं और किस तरीके से, क्या आप पहले बैटिंग के लिए कौन जाएगा या बॉलिंग के लिए किस तरीके से रहेगा? क्रिकेट में बचपन में जरूर खेलता था, मैं स्टेट लेवल खेला हूँ दिल्ली से अंडर 15, लेकिन उस बात को बहुत टाइम हो गया। और जहाँ तक कि हमारे ऑर्डर का सवाल है, मैं कोशिश करूँगा, मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ और शायद मैं और चिरंजीव जी ओपनिंग करेंगे बैटिंग में। विधानसभा की अगर बात करें, सबसे युवा विधायक हैं आप और आपने रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया है और यहाँ भी लगता है कि आप ही सबसे युवा। कोशिश पूरी रहेगी मेरी तरफ से और बढ़िया मनोरंजन आपको देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। बिल्कुल, देखिए भव्य विश्नोई जी पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे, ये वो भी क्रिकेट के लिए पहुंचे हैं। चिरंजीव राव जी यहाँ पर हैं। सर, सदन में तो हमने देखा है सत्ता विपक्ष के बीच नोकझोंक चलती है आज एकजुटता के साथ, बट आज तो हम सब लोग हरियाणा के लिए खेल रहे हैं ना, मुझे लगता है काफी सालों बाद हरियाणा के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आभार प्रकट करेंगे हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी का और पंजाब के स्पीकर का कि काफी सालों बाद हमें हमारी जो पुरानी यादें हैं क्रिकेट की उसको ताजा करने का हमें आज मौका यहाँ पर मिल रहा है और हम सब लोग टीम स्पिरिट के साथ खेलेंगे यहाँ पर। पंजाब के साथ कहीं ऐसे मसले हैं जिसको लेकर विवाद है, इस तरीके से खेल से क्या दोस्ती बढ़ेगी आगे? देखिए, मुझे लगता है एक दूसरे को जानने का मौका भी वहाँ मिलता है। अभी मैं देख रहा था सरदूलगढ़ के जो विधायक है वहाँ अभी बैटिंग कर रहे थे, उनको बॉल कराने का मुझे मौका मिला, तो मुझे लगता है एक दूसरे को जानने का भी और एक दूसरे को समझने का एक अच्छा मौका यहाँ पर मिलेगा। धन्यवाद। आपको एक बार दिखा देते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये हरियाणा की पूरी टीम है जिसमें बीजेपी के विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक भी हैं। और ये पीछे की तरफ देखिए, ये 16 स्टेडियम है और यहीं पर मैच खेला जाना है। यहाँ पर अगर हम हरियाणा की टीम की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि मैच तो खेला जाएगा जीतने के लिए भी और मनोरंजन के तौर पर भी, और साथ ही इनका ये भी कहना है कि पंजाब से भले ही कई मसलों पर विवाद हो लेकिन ये जो मैच भी यहाँ पर खेला जाएगा इससे भाईचारा जरूर बढ़ेगा और एक दूसरे को समझने का मौका इस वक्त यहाँ पर मिला है। सभी, चाहे पंजाब की बात करें या हरियाणा की, इन दोनों राज्यों के नेताओं को। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।
पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मिथेयर मेरे साथ हैं और पंजाब हरियाणा के बीच गली मैच खेला जाएगा। सर, कई मसलों में हमने देखा है हमेशा ही पंजाब और हरियाणा का विवाद रहता है, लेकिन आज जो गली मैच खेला जाएगा, क्या मैसेज एक तरीके से देना चाहेंगे? देखो, जिहड़े मसले आ ओह दोनों सूबियां दे आ, ओह चलदे रहने आ, पर साडा हरियाणा पंजाब दा छोटा भरा है, साडे चों ही निकलिया हरियाणा। तो हरियाणा ते पंजाब ने स्पोर्ट्स दे विच भी बहुत अच्छा इस तिरंगे दे लई मैडल लैके आंदा, बहुत वड्डे वड्डे खिडारी पंजाब ने भी दिते आ, हरियाणे ने भी दिते आ, ते जदों सांझा पंजाब सी उदों भी बहुत खिडारी असीं दित्ते ते अज भी दे रहे आ। सो मैनूं लगदा कि जे दोनों सूबियां दे चुणे होए नुमाइंदे ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਨੇ ਕੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇ ਖੇਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇ? ਹਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਖੇਡੂਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੀ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 35-36 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਸਕੇ ਪੀਛੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮ ਕੇ ਸਦੱਸਯ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਨੇਤਾਓਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਪਤਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਪਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਰੇਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥਿਆ। ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਅਗਰ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਔਰ 16 ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇ ਹਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਿਓ ਕਾ ਯੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਯੇ ਮੈਚ ਖੇਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੜੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਨੈਟਵਰਕ 10 ਕੇ ਲੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਈਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ।